नहीं तो विकास नहीं तो विकास नहीं तो विकास नहीं तो विकास नहीं तो। ये तस्वीर कैमूर जिले से कुदरा प्रखंड के मेउड़ा गांव से सामने आई है, जहां गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक को सबक सिखाने का मन बना लिया है। गांव के मुख्य रास्ते पर नाले का गंदा पानी पिछले कई सालों से लगा हुआ है। कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई गई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुना। तो इस बार लोगों ने नारा दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं। हम लोग वार्ड सदस्य रह चुके हैं, इसका समस्या हम बहुत कहे हैं, फिर भी समस्या का कोई सुना नहीं। अच्छा, सात निश्चय के तहत गली नली बनाने का प्रावधान है, क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कुछ नहीं बना है हम लोग का गांव में। कहाँ पेच फंस रहा है? पेच है कि जो है जहे नहीं तहे मुखिया है, कुछ पैसा इधर उधर कर देते हैं। फिर भी हम लोग का समस्या है कि हमारे गांव को बाल बच्चा को आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। गांव वाले अभी क्या निर्णय लिए हैं? गांव वाला निर्णय यही लिया है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक लोग वोट नहीं देंगे। तो आप स्थानीय जो विधायक हैं उनसे बात किए थे? विधायक से सबसे बात हो चुका है। कौन है विधायक आप लोग? विधायक है निरंजन राम, लेकिन वो भी सुनने को भी नहीं सुना। फिर हम लोग यही निर्णय लिए है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं। मेउड़ा गांव के रहने वाले लोगों ने कहा कि हम लगातार 5 साल तक विधायक को बार बार कहते रहे, लेकिन विधायक ने एक ना सुनी। समस्या ये है कि आज हम लोग 5 साल से झेल रहे हैं, और 5 साल से हम लोग का रोड नहीं बना है। इसमें देख लिया जाए कि हम लोग के बूढ़े बच्चे जो भी अन्य व्यक्ति है इसमें जो है कैसे हेल कर जाएंगे। इतना बड़ा परेशानी होता है कि अन्य कोई गिर जा रहा है, किसी को बहुत लोगों के हाथ पैर टूट गया है, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है अपना फैमिली ले जाते समय में, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कुदरा पढ़ने के लिए मेउड़ा स्कूल तक पानी भरा हुआ है, वो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बारिश हो जाता है तो आजू बाजू से जाने पर वो जो है पैर स्लिप हो जाता है। विकलांग बूढ़े और जितना जो है लेडीज लोग जो है बहुत गाँव के लोग पब्लिक को जो है तबाही मचा हुआ है। कितने दिनों से समस्या बना? सर 5 साल से समस्या है। आपने कहाँ कहाँ इसके लिए गुहार लगाई? हमने गुहार लगाई ब्लॉक में भी कहा, वीडियो से सीओ से सबसे कहा, सड़कें बन चुकी हैं। बिहार तक के सवालों पर विधायक जी ने क्या जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। सड़कें बन चुकी हैं, नाली का भाव में पानी सड़क पर है, नाली का भाव में सड़क पानी पर है, मैं देख रहा हूँ। चूंकि मेरी यात्रा आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, 20 साल की मेरी यात्रा है राजनीति की। मैं यहाँ 4 बार चुनाव लड़ चुका, 2 चुनाव में हारा हूँ, 2 चुनाव जीता हूँ मैं। तो 20 साल की यात्रा में मैं गली देखता हूँ, मैं एक गली देखता हूँ विधानसभा का, मैं देख रहा हूँ वहाँ पानी लगा है, सड़कें बन चुकी हैं, नाली का वहाँ में वो पानी सड़क पर लगा है। मैंने मुखिया से बात कर लिया कि भाई मुखिया जी आपके पंचायत में काफ़ी पैसा दिया है, कम से कम अभी आपके पास 1 साल समय है, वो नाला बना दीजिए। वो नाला बना देंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे जनता अगर मौका देती है तो वहाँ एक बड़ा नाला खींचना पड़ेगा, वो पानी दूर ले जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ उसको हम बनवा देंगे, और वहाँ के लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम वोट देंगे, मैं उनको जाके मनाने का प्रयास करूँगा। बिहार चुनाव की दस्तक के साथ ही पीएम मोदी से लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक रोजाना बिहार के लिए चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। उद्घाटनों और शिलान्यासों को देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे पूरे देश में सिर्फ बिहार में विकास हो रहा है। वहीं विधायक भी 5 साल बाद कुंभकर्णी नींद से जाग गए हैं, वो इलाके में जाने लगे हैं, लेकिन लोगों को उनका सिर्फ चुनावी मौसम में आना पसंद नहीं आ रहा, और वो कहीं विधायक को भगा रहे हैं तो कहीं सवालों की बौछार से विधायक जी को मुश्किल में डाल रहे हैं। कैमूर से रंजन कुमार, बिहार तक।